ऐसे एक या दो श्वास में कार्यक्रम हो जाएगा। अभ्यास के द्वारा 10 से 15 बार एक बार में हो जाते, फिर अंदर की तरफ शरीर की तरफ आऊंगी और ऐसे। और जो थोड़े अभी अभ्यास कर रहे तो वो पीछे वाला हिस्सा टिका भी सकते हैं, जोर जबरदस्ती वाला कार्यक्रम तो है नहीं। आगे की तरफ हाथ, तो जो कर सके वो पूरा ऐसे कर ले, और पीछे से सीधा रखने में असुविधा हो तो उर्मिला जी की तरह पर ऐसे लेट जाए, क्या दिक्कत है पीछे से, तब ऐसे कर ले। लेकिन करना सबको है ऐसे। देखो नहीं बेटा, इधर उधर करो सब, चाहे पीछे से लेट के कर लो, चाहे पीछे से उठा के कर लो, चाहे एक एक श्वास में एक एक बार कर लो, चाहे एक श्वास में 10 बार कर लो या 25 बार। मैंने सब तरह से करके आपको बता भी दिया और करा भी दिया। ये तो 100 बार होने से अब बाहर की जो थोड़ी थोड़ी बूंद पड़ रही है वो तो पसीना तो नहीं आ रहा, लेकिन वो जैसे ताते तवे पर बूंद पड़े सूख जाती है। यह हाल हो रही है, ऐसी बरसात हो रही है, रिमझिम रिमझिम। पहला दंड का अभ्यास 25 बार ऐसे एक श्वास में एक अभ्यास। एक बार में 25 बार करने का अभ्यास तो सबका होना चाहिए। हाथ ऐसे भी रख कर कर लेते हैं, हथेलियां, और किसी को और मुट्ठियां मजबूत बनानी हो तो हाथ ऐसे भी रख के कर लेते हैं। बोले मुट्ठी किसके लिए मजबूत बनाना, बोले गुट्ट मारने के लिए। ये बोले योगी को ये कार्यक्रम क्यों करना, योगी को भी करना पड़ता है। योगी योगियों को थोड़ी मारेगा, लेकिन कोई सामने राक्षसी आ गया तो फिर तो प्रसाद देना ही पड़ेगा। परित्राणाय साधु नाम, ये खाली पढ़ने के लिए थोड़ी बना रखी है गीता। तो जैसे भी करना हो वैसे ही करना, ऐसे करो महात्मा जी विनोद जी। हाँ लगे रहो, नीचे तक आया करो महात्मा जी। अभी तो पहला अभ्यास चल रहा है ना, इसमें नीचे देखो ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे। ऐसे 25-25 बार करके 100-100 बार कार्यक्रम चलता रहेगा। तो एक दर्शन है, सारा अस्तित्व भगवान का स्वरूप है। क्या बोला, तो इसके साथ कैसे व्यवहार करना जैसे भगवान के साथ करते हैं। तो ये सारा अस्तित्व भगवान का रूप है, ये तो होगी भगवान की का दर्शन। फिर महर्षि दयानंद ने कितना व्यवहारिक दर्शन दिया योग अध्यात्म का। बोले फिर भगवान की पूजा क्या, बोले जिसके साथ जैसा व्यवहार करना वो पूजा, यथा योग्य व्यवहार। माँ के साथ माँ जैसा, पिता के साथ पिता जैसा, गुरु के साथ गुरु जैसा, शिष्य के साथ शिष्य जैसा।
खाने के साथ खाने जैसा, पैखाने के साथ पैखाने जैसा, जिसके साथ जैसा व्यवहार करना है, फूल के साथ फूल जैसा, कांटों के साथ कांटों जैसा। सब बिजनेस में, खेती में, व्यापार में, व्यवहार में, अनुसंधान में, जो जैसा उसके साथ वैसा व्यवहार करना, बस उसको भाव से करना, ज्ञान श्रद्धा और पुरुषार्थ पूर्वक, धर्म पूर्वक, विवेक पूर्वक अपने कार्य का उत्तरदायित्व का निर्वहन। तो 25-25 बार करके कितनी बार करना है? 100 बार। 100 बार से जो कम करेगा वो स्वामी रामदेव का शिष्य नहीं। तो 100 बार करने का सामर्थ्य तो 1 सप्ताह में ही आ जाता है। 100-100 बार नीचे पूरा, ऊपर पूरा। जैसे दोनों बेटियां कर रही हैं, लोग बेटियों को कहते थे अबला है, मैंने कहा हाथ मत लगाना, बला है पूरी, महाबलशाली है, बलवान। ऐसे उल्टा पुल्टा मामला सब लोगों ने धर्म के बारे में, जैसे भोगी लोगों ने भोग को इतना महिमा मंडित किया, ऐसे योग और अध्यात्म वालों ने अकर्मण्यता को इतना महिमा मंडित कर दिया, प्रमाद को, उसी को मोक्ष का नाम दे दिया। यह कार्यक्रम नहीं चलेगा। हाँ, ऐसे 25 बार सामान्य गति या सुपर फास्ट करना हो तो फिर तो इस तरह से ही है। पूरा नीचे देखो, कितना ही धीरे कर ले चाहे कितना ही फास्ट कर ले, विधि में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कुछ जब फास्ट करने लगते हैं तो फिर ऐसे ऐसे करने लगते हैं, ऐसे नहीं, पूरा नीचे पूरा ऊपर, चाहे धीरे करो चाहे फास्ट करो। 100 बार 25-25 करके कितनी बार? चलो खड़े हो जाओ, ऐसे 25-25 बार करके 100 बार ये कर, 100 बार ही ऐसे कर, 25-25 करके, 25-25 करके 100 बार। तो एक दर्शन तो ये सारा ब्रह्मांड भगवान का मूर्त रूप है, सारा भगवान ब्रह्मांड भगवान का प्रत्यक्ष, सारा ब्रह्मांड क्या है? भगवान का प्रत्यक्ष। यही भगवत दर्शन है, ये ब्रह्म साक्षात्कार। तो फिर ये तो सबको हो रखा है, इसमें करना क्या है? इसलिए करने की बात ही नहीं, जीने की बात है, उसको अनुभव करने की बात है, प्रामाणिकता से जीना। इसलिए योग खाली दृष्टि नहीं है, दृष्टि के साथ कृति भी है ना। सारे शास्त्र कहते मोक्ष तो सदा प्राप्त है, वही बावड़े हो रखे मोक्ष के पीछे, मोक्ष पाना जैसे मतलब कहीं पता नहीं कौन से लोक में जाएंगे, धरती पर टिक ले रहा बावड़े। इसलिए गांव के लोग कहते हैं भाई पैर टिका ले धरती पर, बावड़े ना हो। तो आत्मा सो परमात्मा, ये सारा ब्रह्मांड ब्रह्म का ही मूर्त स्वरूप है, बस इसके साथ यथा योग्य व्यवहार करो, विवेक पूर्वक जियो। और भजन बता रहे थे भीष्म जी का, मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से था, हम लोग काम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है मोक्ष। इसलिए एक और भी तो भजन गाया था, पहले वहां से शुरू करते हैं। फकीरी अलबेलारो झेल खेल, ऐसा खेल है ये, ऐसा घालमेल मत करना। कायर सके न झेल फकीरी, अब लोग फकीरी बाना तो ले लेते हैं और फिर बोले ये भगवान कहां मिलेंगे। अरे भगवान तेरे भीतर ही है और तू ही भगवान है, बावड़ा हो रखा है, चले बावड़ी, योग कर, योग कर और अच्छे कर्म कर, अच्छी दृष्टि रख, अच्छे भाव रख, अच्छा आचरण रख। तो ये 25-25 बार करके कितनी बार करना? 100 बार 25-25 करके, ऐसे 25-25 करके 100
सुबह तो 25-25 ही हम इसलिए करा देते हैं, दिन भर फिर पढ़ाई लिखाई बहुत कुछ काम धाम करना पड़ता है। जिनको विशेष बल बढ़ाना है शाम को 100-100 बार कर। मेरे देश का कोई व्यक्ति रोगी ना हो, बीमार ना हो, कमजोर ना हो, गरीब ना हो, दुखी ना हो, दरिद्र ना हो, और वो सपना पूरा होगा योग और कर्म योग के मार्ग पर चलकर। यही है योग अध्यात्म का ऐसा मार्ग है, धीरे धीरे ऐसे से कर लो, क्या दिक्कत है इसमें। अब जो बड़े बुजुर्ग हैं बोले स्वामी जी बूढ़े हो गए, अब तो गोड्डे नीचे गड़ गए तो फिर उठेंगे नहीं, फिर तो यूं पड़ेंगे हैं, तो फिर आधा आधा कर लो। एक हमारे स्वामी उमानंद जी थे 80-90 साल के, 500 दंड लगाता तो दीवार पकड़ के ऐसे ऐसे धकेला करते और ऐसे ऐसे किया करते, जो तो बुढ़ों की तो यही 100 बार भतेरी है, कोई जरूरी है ज्यादा भींगा मस्ती करना। जिसका जैसा सामर्थ्य है वैसे करो, और जवान है तो फिर पूरे सपट्टा लगा पूरा। कायर सके ना जेल फकीरी, कायर सके ना जेल फकीरी, अलबेला रो खेल फकीरी, अलबेला रो खेल फकीरी, अलबेला रो खेल। कायर सके ना जेल फकीरी, कायर सके ना जेल फकीरी, अलबेला अकेरे अलबेला रोके। नमस्कार। सामान्य मध्यम गति, मध्यम गति जोरन माय लड़े नर सोरा, आणिया झुक रहा से, आणिया झुक रहा से, जोरन माय लड़े नर सोरा, आणिया झुक रहा से, आणिया झुक रहा से। मेल फकीरे
पंच जो उल्टा चाले पास भरत नटके ऐसे पास जो उल्टा चाले बास भरत नटके बस नटके मेरु किस छेद यट बंका मेरु किस छेद गढ़ बंका मेरु किस छेद गढ़ बंका जट की अकम के महल फकीर अलवे निर्भर करता है कि आप कौन सी श्रेणी में आते हो ये अपना तय कर रहे हो दो और एक रवे ना दो पूरे बैठो पूरे उठो शुरू किया था मामला फिर सूर्य नमस्कार पूरा किया अब योगिक जोगिंग चल ही रहा है कार्यक्रम तो पसीना आ गया पहले ऊपर से बूंद पड़ रही थी पहले तो वही सूख रही थी फिर भीतर से थोड़ी थोड़ी बूंदें निकली एक एक रोम कूप से और फिर जैसे
बरसात में टपा टप पड़ता है, एक एक बूंद 10-10 ग्राम की भी पड़ती है कभी कभी, और कभी ओले बन करके तो 20-25-50-100 ग्राम की भी हो जाती है, सिर फोड़ देती है। कहते ना सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, और टांट में सिर में पूरा छेद हो जाता है। ये तीन टप्पर पड़ा है इधर, ये जिसाला वाला, कभी कभी तो ऐसे मोटे मोटे ओले पड़ते हैं, इसमें भी छेद हो जाता है। हाँ, और बादल फटते हैं तो सैकड़ों लोग उसमें बह जाते, बोले बादल फटा, इतने आदमी मर गए। पहाड़ में ये कार्यक्रम बहुत चलता रहता है। और बिजली पड़ गई, अब पता नहीं क्या कार्यक्रम है, जो योग करने वाले हैं उन पर बिजली नहीं पड़ती, पता नहीं क्या चक्कर है। जहां बहुत अधिक गरजता है बरसता है, बहुत अधिक बिजली पड़ती है, बिहार से लेकर के और आसाम में तो ऐसी बिजली कड़कती है मैंने जैसे अभी ऊपर ही पड़ेगी, बड़ा गड़ गड़ कर। ओ लमे लमे स्वाहा। सो बार करना हाथ सीधे, और सुपर फास्ट कौन है सीधी रुको नहीं। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से नाम लो, हाथ से ये काम लो के शुभ कर्मों में दान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथ से ये काम लो के शुभ कर्मों में दान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो। ए बच्चों देखो रुको, पीछे कुछ रुक गए थे ना बीच में, ये नहीं चलेगा। योग में भी बीच में रुकना, योगाभ्यास में, विद्याभ्यास में भी, पढ़ाई में भी बीच में रुकना। चरई वेती जीवन, क्या बोलो? रुकना नहीं, जो रुक जाएगा वो पानी सड़ जाएगा, जो बहेगा वो गंगा यमुना सरस्वती कृष्णा कावेरी कहलाएगा, वो पूजा जाएगा। दो बार ऐसे करें और फिर ये कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। देखो आ गए ना पूरा पसीना, ऐसे एक बार पूरा पसीने से नहाना है, फिर आसन कितने करने? आसन तो थोड़े से कर लो बच्चों वाले, तो 5 आसन है। कौन सा? शीर्षासन करो सब। क्या है गिल्ला? चलो ऐसे बैठ बैठ जाओ, गीला ही तो होगा, क्या है, जाके सुखा लेना। एक शब्द बोला जाता है माटी के माधव, माटी का माधव पता है ना, मिट्टी का एक महादेव बनाया किसी ने देवता, उसमें पानी पड़ा वो देवता फिर मिट्टी में मिल गया, पिघल गया। तुम्हारे ऊपर कितनी बरसात पड़े तुम पिघल सकते हो क्या? चलो बैठो वज्रासन में, आप कमजोर बच्चे। नीचे पानी तो है, हमारे यहां पर भी है, चिंता मत करो, गीला गीला है सब, होने दो। चलो अंगूठा अंदर, अंगुलियों ऊपर, मुट्ठियां बंद। प्रातः सायंकाल हमेशा नाम प्रभु का गाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। प्रातः सायंकाल हमेशा नाम प्रभु का गाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। तन से मन से धन से हमेशा देश की सेवा उठाया कर, देश की सेवा उठाया कर। एक एक बार में एक एक मिनट, ठीक है?
आज आध्यात्मिक दर्शन भी दे रहे हैं। बंद आंखों से भी ध्यान, खुले आंखों से भी ध्यान, पूरा भगवान का ही प्रत्यक्ष है अस्तित्व पिंड ब्रह्मांड। फिर क्या करना है, ये है बड़ी बात। भगवान तो मिल गए, कहाँ मिल गए, स्वयं में और सब में, सब जगह भगवान है, भगवान से कोई स्थान खाली नहीं है। तो फिर करना क्या है वो बता रहे, आगे झुक जाओ। प्रातः सायंकाल हमेशा नाम प्रभु का गाया कर, नाम प्रभु का गाया कर, तन से मन से धन से हमेशा देश की सेवा उठाया कर, देश की सेवा उठाया कर, जिससे बेड़ा पार हो जीवन का उद्धार हो, जिससे बेड़ा पार हो जीवन का उद्धार हो, अरे दुखियों के संग प्यार हो तुम, दीन दुखों की हानि कर। दो आगे झुके मंडूकासन शशकासन, दो पीछे, बच्चे तो पीछे सिर पूरा ही लगा दे, जो बड़े हैं वो मेरी तरह से करेंगे, शेष बच्चे सिर कहां टिकाएंगे, एड़ियों पर करो। फिर पीछे झुक जाओ, सुप्त वज्रासन करो, पूरा गीला होने दो, ऐसे पानी से मत डरा करो, ऐसे छुई मुई वाले बच्चे नहीं बनना है। आंधियों में तूफानों में समुद्र में भी कूदने के लिए बोले, आग में भी कूदने के लिए बोले तो कूद जाओ। हाँ सच्चे शिव को पाना है तो बैठो, वो अच्छे बच्चे हैं जो गुरु की पूरी बात मानते हैं, गुरु वही बोलते हैं जो तुम्हारे लिए हितकर होता है। जैसे मैंने कहा तुमको बोलूं कि आंधियों में तूफानों में आग में कूद जाओ, समुद्र में कूद जाओ, तो कूद जाना चाहिए गुरु की आज्ञा पर। गुरु कब बोलेंगे, जब जरूरी होगा तब बोलेंगे, ऐसे थोड़ी है कि हम आपको आग में जलाना चाहते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे बनो, देखो दाएं पैर उठाओ बाएं पर रखो, बाएं उठाओ दाएं पर रखो, और आगे झुक के एक मिनट रुकना है। चलो झुक करके आगे छोड़ी टिकाओ, सच्चे शिव को पाना है तो मैं हटा मन मंदिर से, मैं हटा मन मंदिर से, सच्चे शिव को पाना है तो मैं हटा मन मंदिर से, मैं हटा मन मंदिर से, खलक की सेवा करके मिलेगा अलग खलक के अंदर से, अलग खलक के अंदर से, वो प्रथम से दूर है सब जग में भरपूर है, वो प्रथम से दूर है सब जग में भरपूर, अरे इतनी बात जरूर है वापस। आगे झुक करके थोड़ी कहाँ लगी जमीन से, एक मिनट रुकना है, अब एक मिनट पीछे झुक जाओ, गीले होते तो होने दो सूख जाएगा, कपड़े तो गीले हो रहे हो, तुम गीले हो गए तो रोज तो गीले नहाते हो, क्या दिक्कत है। आगे पीछे झुकने से स्ट्रक्चरल बैलेंस पूरा रहता है, क्या बोले बैलेंस बोला, हमारा स्ट्रक्चर और कैरेक्टर, क्या बोला, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बोलो, शरीर और आत्मा, शरीर और दोनों ठीक होने चाहिए,
कुछ शरीर को खाने पिलाने में लगे, आत्मा भूखा प्यासा बैठा है, कुछ आत्मा आत्मा की बात कर रहे हैं और शरीर बीपी शुगर थायराइड बुरा हाल है, ये दोनों मामले गड़बड़ घोटाला है। पसीना आया से पूरा आया भाई, देखो हमको तो, क्योंकि हमने पूरा किया हर काम। कैसा करना है बोलो? योग भी, प्राणायाम भी, पढ़ाई भी, सर काम भी, स्नान भी, सब काम पूरा करना है। ये आसन तो कितने ही कर लो ऐसे, है ना? चलो दो तीन आसन और करा देते, पैर सीधे, वक्रासन सब करो। और बता रहे हैं भगवान को पाने के लिए कहीं जाना है क्या? भगवान तो अपने भीतर ही है, कण कण में, बस उसको करने के लिए जो बुरी चीज है उनको हटाना है, फिर तो भगवान प्राप्त ही है। मृग भटकता है वन वन में, ना भी में कस्तूरी है, ना भी में कस्तूरी है। मृग भटकता है वन वन में, दूसरी ओर से भी में कस्तूरी है, ना भी में कस्तूरी है। कर टटोल घटपट को खोलिए, सिर्फ जान की दूरी है, सिर्फ जान की दूरी है। कर टटोल घटपट को खोलिए, सिर्फ जान की दूरी है, सिर्फ जान की दूरी है। चार दिनों का मेला है, कौन गुरु कौन चेला है? चार दिनों का मेला है, कौन गुरु कौन चेला है? जाएगा जीव अकेला है, कभी मत झूठा अभिमान करो। शुभ नाम लो, मन विषयों से नाम लो, हाथ से काम लो, दान करो। ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से नाम लो, हाथ से काम लो, शुक्र मुंह में दान करो, शुक्र मुंह में दान करो, शुक्र मुंह में दान करो। मन विषयों से नाम लो, शुक्र मुंह में दान करो, मन विषयों से थाम लो, मन विषयों से थाम लो, कुछ अच्छे से काम कर लो। देखो गोमुखासन दोनों तरफ से ऐसे करना, एक तरफ से किया फिर दूसरी ओर से भी ऐसे। तो देखो रोज कुछ कुछ बातें आपको बताते हैं। आज की बात है भगवान हम सबको प्राप्त है। क्या बोला? भगवान हम सबको, हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। दूरी किसकी? अज्ञान की। किसकी दूरी है बोलो? दूसरी दूरी है, इधर तो है अज्ञान की, यहां से भी दूर है अज्ञान से। तदी जति तन्नई जति तदूरे तद्वंत के तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वास्यास्य बाह्यतः। ये तो गोमुखासन हो गया। चलो अब सीधे बैठो पद्मासन में। इधर तो अज्ञान की दूरी है और इधर हृदय में अश्रद्धा की। किसकी दूरी है बोलो? और हाथों में अकर्मण्यता की। जीवन में जो भी अकर्मण्यता है, अशुभ है, अब उसको कुछ भी शब्द बोल लो, पाप है, अधर्म है, ये जब तक दूर नहीं होगा फिर भगवान कैसे? तो भगवान तो पास है। लंबे गहरे श्वास भरो। देखो आज आपको भगवान का दर्शन करवा रहे हैं। किसका दर्शन करा रहे हैं बोलो? लंबे गहरे श्वास भरो। जैसे देखो सारी चीज तुम्हारे पास में, अब मैं ऐसे 10 उदाहरण देता हूं। ज्ञान तुम्हारे भीतर है, कहां है? मस्तिष्क में। ज्ञान कहां है तुम्हारे? प्रेम कहां है? हमारे हृदय में। शक्ति कहां है? हमारे पूरे शरीर में। लेकिन उसको जानना है, उसको जगाना और उसको बढ़ाना है। क्या करना है? उसको बढ़ाना है। अंदर है, चलो लंबे लंबे श्वास भरो बेटा, आराम से मत ऐसे बैठो, सीधे बैठो। हाँ
प्रमाद नहीं करना, अज्ञान अश्रद्धा अकर्मण्यता प्रमाद नहीं, पुरुषार्थ। तो लंबे श्वास, कितनी देर करना है ये भस्त्रिका? कम से कम 5 मिनट। कितनी देर करना? 5 मिनट। और रोज करना है, सामान्य गति, मध्यम गति, और बच्चों को तो जो ऐसे कर लेंगे उनको सर्दी जुकाम, और बाकी का सर्दी जुकाम बुखार, फिर ये तो सभी को हो जाता है जिनको एक एक बीमारियां होती हैं थोड़े समय के लिए, 5-10 दिन के लिए, और फिर बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, कब, एसिडिटी, स्ट्रेस, असली, एमएस, ऑटोमेन डिजीज, कैंसर, कोरोना, पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां होती है, चारों तरफ रोना धोना, ये हो गया बीमार, वो हो गया बीमार, बापू भी बीमार, माँ भी बीमार, बच्चे भी बीमार, दादा दादी भी बीमार, नाना नानी भी बीमार, फूफा फूफी भी बीमार, जीजा जीजी भी बीमार, पूरा परिवार बीमार बीमार, लाचार लाचार। जो योग करेगा वो कोई बीमार, ये भस्त्रिका करना पड़ेगा। ऐसे कितनी देर करना है ये? 5 मिनट। ये पंखा बंद करो रे, इतना भयंकर पसीना आया, पहले वर्षा में नहाए, फिर पसीने में नहाए, और फिर पंखा चलाए, तो बीमार होने से कौन रोक पाए? अब देखो ये हमको बीमार करने के लिए पंखा चलाते हैं, इनको इतनी भी दया नहीं आती। ऐसे ऐसे काम नहीं करना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, आ बैल मुझे मार। बोले कोई अपने बैल को कौन मरवाता है, यही तो संसार की समस्या है, सबको पता है। अच्छा कोई बैल को बोलता है कि मेरे सींग मार ना, ऐसे कौन करता है? फिर कहावत क्यों बनी, आ बैल मुझे मार। शुगर हो रखा है फिर भी आम खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे, जलेबी खाएंगे, चाहे खा के मर जाएंगे, कपाल बात कर। बीपी हो रखा है फिर भी घी खाएंगे, चूरमा खाएंगे, नमक खाएंगे, बीपी बढ़ाएंगे, फिर ब्रेन हेमरेज होके, हार्ट अटैक होके, किडनी फेल होके मर जाएंगे। कैंसर हो रखा है फिर भी बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, डॉक्टर पी रहे, डॉक्टर सिगरेट पी रहे, शराब पी रहे, कैंसर हो रखा है, हार्ट अटैक हो रहा है डॉक्टर को। जितने ज्यादातर दुनिया में 90% हार्ट के डॉक्टर है ना, उन सबको हार्ट अटैक हो रहा है, पता है इसी चीज से हार्ट अटैक होता, वही करते, हाँ बैल मुझे मार, डॉक्टर कह रहा है, साइंटिस्ट कर रहा है। हमारे यहां पर भी मोटा सा साइंटिस्ट आया था, अनुराग वार्ष्णेय, ए मैंने कहा साइंटिस्ट महोदय पहले अपना पेट छोटा कर, मोटा साइंटिस्ट तो है तो उसका पेट छोटा किया मैंने पहले। डॉक्टर भी पेट बढ़ा रहा है, पता है बीमारी की जड़ है ये पेट, पापी पेट का सवाल है, यही सारा बवाल है, कपाल भाति करो, हाँ बैल मुझे मार, पता है मोटा पेट पटाखा फूटने वाला है, फिर भी मोटे मोटे पेट मारो, ठोक के घटेगा छटेगा। मैंने एक दिन मोटापा वाला बता रहा था तो नेपाल से एक बहन ने मैसेज किया, पेट में चर्बी बढ़ाए को छे, कई गर्नो हुन्छ, सबै राम्रो हुन्छ, कपाल भाती गर्नो। मुझे दादा नेपाली तो नहीं आती, हाँ गुजराती बड़ी सारी, हाँ सावरी आवड़े से, आम घनी भाती भाषा आवड़े से, मन 7-8 भाषा आवड़े से, आम थोड़ी थोड़ी करता तो आम 10-11 भाषा, 10-12 लैंग्वेजेस आई नो वेरी वेल, बट आई स्पीक 4-5 लैंग्वेजेस आई कैन स्पीक। भवंता भी जानती संस्कृतम वदंती, संस्कृतम ये वदनी, हम अंग्रेजी इंग्लिश, यू कैन स्पीक वेरी वेल इंग्लिश, भवंता संस्कृतम अपि वक्तुम समर्था भव संति, हिंदी भी भाषा बोल सकते हो, और भारतीय भाषाएं कितनी,
मुझे हिंदी आती है, गुजराती आती है, मराठी आती है, थोड़ी थोड़ी तमिल तेलुगु कन्नड़ आती है, ओडिया 90% आती है, असमिया आती है, बांग्ला आती है, मुझे नेपाली आती है और पंजाबी तो आंदी है, तो साड़ी भाषा है। और ऐसे फिर भारत की भाषाओं के साथ साथ हिंदी, तो ये तो हमारी मातृभाषा ही है, राष्ट्रभाषा भी है, और संस्कृत हमारी धर्म अध्यात्म की योग की भाषा है, भगवान की भाषा है, देववाणी है, इंग्लिश भी आती है, अभी स्पेनिश भी सीख लूंगा आप बच्चों से, आपको आती है ना स्पेनिश भी, स्पेनिश भी आती है, फिर अभी थोड़े दिन में आपकी ये पूरी हो जाएगी तो फिर मैंड्रिन चाइनीज भी सिखाएंगे, 5 भाषाएं आपको सिखाएंगे कम से कम, कितनी 5 भाषाएं। इससे क्या होता है, दिमाग तो है, दिमाग और बढ़ जाएगा, भाषा सीखने से क्या बढ़ता है, दिमाग, अष्टाध्यायी पढ़ने से क्या बढ़ता है, दिमाग। और ऐसे ही पंचोपदेश, ये मेरे दाएं बहने तरफ 2 बेटियां बैठी है ना बहने, बड़े बच्चों, छोटे बच्चों की तो आचार्य भी हो गई अभी, एक बार देवांशी जी के लिए और देववाणी जी के लिए सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। देखो छोटे बच्चे भी याद कर रहे हैं, इन्होंने भी याद कर लिया है। पंचोपदेश, अष्टाध्यायी, धातु पाठ, फिट सूत्र, लिंगानुशासन, उनादि कोष, फिर कुछ बच्चों ने तो निरुक्त निघंटू भी याद कर लिया, श्रीमद भगवद गीता याद कर लिया है, 9 उपनिषद भी याद कर लिए देवांशी जी ने, और फिर अभी क्या कर रहे थे, हो गए पंचदर्शन भी याद कर लिए, उसके लिए विशेष ताली बजावा। ये सब क्या है, ये ज्ञान को बढ़ाने वाला कार्यक्रम है। दंड बैठक लगाने से बल बढ़ता है, दंड बैठक लगाने से क्या बढ़ता है, और धातु पाठ, अष्टाध्यायी, पंचदर्शन, पंचोपदेश, भगवत गीता, वेद शास्त्र आदि स्मरण करने से क्या बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, दिमाग बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है। ये सारा कार्य बढ़ाने वाला कार्यक्रम करना है, जो नहीं बढ़ाएगा फिर वो फिसड्डी रह जाएगा, वो दरिद्र रह जाएगा। आपको दरिद्र बनना है, किसी को दरिद्र बोलना, गांव की भाषा में ना ऐसे दरिद्र को कुछ तो ऐसे दरिद्र बोलना नहीं आता, ए दलिद्र कहीं के, किसी को दरिद्र बोल दो, दलिद्र बोल दो तो लड़ाई हो जाए। अरे यहां दरिद्रता पूरी भरपूर है, एकदम दरिद्रता के भंडार, ज्ञान की दरिद्रता, भावों की दरिद्रता, प्रेम की दरिद्रता, अर्थ की दरिद्रता, ये सारी दरिद्रताएं खत्म हो गई पतंजलि योग पीठ में। और कल मैं देख रहा था करीब अभी तक आस्था वैदिक और फेसबुक पर, कम से कम बता रहा हूं क्योंकि 40-50 लाख तो फेसबुक पर ही होगी, वैदिक और आस्था पर मिला करके कम से कम 1-2 करोड़ लोगों के बीच में पतंजलि में ये जो ऋषियों की ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य हो रहा है उसको पूरे देश ने देखा और सारे देश में प्रसन्नता है, सारे देश में। और मैं जो कहता हूं ना, मैं कहता हूं जो हम कहते हैं वैसे जीते हैं, योग जीने के लिए, शास्त्र जीने के लिए, धर्म अध्यात्म जीने के लिए, ये खाली प्रवचन करने की बात नहीं है, बकवास करने की बात नहीं है, ये खाली बक बक करने के लिए नहीं है। तो करोड़ों लोग पतंजलि योग पीठ की तरफ देख रहे हैं और मैं बार बार कहता हूं, मेरे साथ बोलो, हम ऋषियों के प्रतिनिधि, उनके उत्तराधिकारी हैं, हम ऋषि आत्मा हैं, हम देवात्मा हैं, हम ऋषियों के साथ साथ भगवान के, परमात्मा के, शाश्वत के भी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी है। ये योग से आपके भीतर वो सामर्थ्य पैदा हो गया है और उसको पूरा देश भी देख रहा है। तो चलो थोड़ी देर आपसे करा देते हैं अभी कपालभाति और पूरे देश को भी दिखा देते हैं। सुबह शाम पूरा देश देख रहा है और छोटे बच्चों को भी यहां भेजना चाहते हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनके बड़े बच्चे उनको भी भेजना चाहते हैं, और जो बड़े बच्चे BA, MA, PhD आदि कर लिए हैं वो भी पतंजलि गुरुकुलम में, छोटे बच्चे वैदिक गुरुकुलम, ये बड़े बच्चों के लिए जिनको पूरा जीवन भगवान के लिए जीना है, वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम में बड़े बच्चे आना चाहते हैं,
ये हमारा गंतव्य है, ये हमारा ध्येय है। तो आओ, आपको तो कपाल भांति करा दिया, अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको कराते हैं और पूरे देश को दिखाते हैं। ये पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार में हो रहा है, यही पतंजलि गुरुकुलम योगग्राम में हो रहा है, यही पतंजलि गुरुकुलम देवप्रयाग में हो रहा है। और ऐसे हमारे सब भाई बहन और आचार्य इस परम पुरुषार्थ में लगे हुए, एक बार सब आचार्य गणों का, प्राचार्य गणों का अभिनंदन है इस महान अनुष्ठान के लिए। एक एक पल जो इस ऋषि कार्य के लिए, यही ऋषि कार्य है, यही क्या है बोलो, ऋषि कार्य, यही राष्ट्र कार्य है, क्या है बोलो, यही राष्ट्र कार्य है, यही ऋषि ऋण से उड़ाना है, यही मातृभूमि के ऋण से उड़ना, ऋषि कार्य, राष्ट्र कार्य, भागवत कार्य, यही योग अध्यात्म धर्म है, योग धर्म, अध्यात्म धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, राष्ट्र धर्म, सेवा धर्म, मानव धर्म है। आओ, आपको अनुलोम विलोम कराते हैं और सारे देश को ये दर्शन कराते हैं कि कैसे ये सारा कार्य हो रहा है, कैसे योग की ज्योति के साथ वेद